अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 2.15 थ्योरम रियल एनालिसिस का। द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर, द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर रेफर टू द नोटेशंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड इनइक्वालिटीज बिटवीन रियल नंबर्स। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्होंने बताया कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेफर कौन सी होती हैं रियल नंबर से, जो हमें बताएं पॉजिटिविटी की और इनइक्वालिटीज़ को। ठीक है, रियल नंबर्स की कितने नंबर पॉजिटिव हैं, कैसे पॉजिटिव हैं वो बताएं, और उसमें इनइक्वालिटीज़ कैसे आ रही हैं वो बताएं, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास देयर इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट पी ऑफ आर कॉल्ड द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब उन्होंने बताया हमें नया सेट इंट्रोड्यूस हुआ है, पी एक ऐसा सेट है जो कि आर का जो है वो सबसेट है, और उसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास आर से लेके हमने लिखे हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। सबसे पहली है अगर ए और बी बिलोंग करेगा पी से, यानी पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करेगा, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा पी से ही, वो नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव ही आएगा। इसके बाद अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है पी सेट से, तो इसका मतलब है ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो भी बिलोंग करेगा पी से। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, या तो ए अगर हमारे पास जो है ए जो है वो एलिमेंट है आर का, तीन प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी एट अ टाइम वन होल्ड करेगी। फर्स्ट है ए एलिमेंट होगा पी के, या फिर ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर माइनस ए होगा एलिमेंट ऑफ पी। ठीक है, अब इसके जो है वो हमारे पास प्रूफ भी है, इट डिवाइड्स आर इंटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि आर में जो है रियल नंबर भी, आर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, ये तीनों आते हैं। ठीक है, अब उसने यहाँ कह दिया कि इसको थ्री पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और ज़ीरो में। इसके बाद उन्होंने एक सेट लिख लिया है जिसमें उन्होंने कहा है माइनस ए, और ए जो है वो एलिमेंट है आर का, जबकि हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो उनका कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो सकता पॉजिटिव नंबर से। ये बात इधर लिखी है, नेगेटिव रियल नंबर्स हैज़ नो एलिमेंट कॉमन विद सेट पी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, मोर एवर द सेट आर इज़ अ यूनियन ऑफ थ्री डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट्स ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ना पॉजिटिव में नेगेटिव आ सकते हैं ना नेगेटिव में पॉजिटिव, और ज़ीरो तो है ही जो है उसमें ना प्लस का साइन आता है ना माइनस का, तो इसका मतलब है ये तीन सेट्स को इकट्ठा करके बनाया गया है। इसके बाद हमारे पास वो प्रूफ दे रहे हैं, फर्स्ट को देखें, इफ़ ए जो है वो एलिमेंट होगा पी का, जब भी हमारे पास कंडीशन आए ए जो है वो एलिमेंट है पी का, वी से या राइट ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड से दैट ए इज़ पॉजिटिव, क्योंकि हमने कहा ही ये है कि पी जो है वो नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेता, पॉजिटिव नंबर्स को लेता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ना ही इक्वल टू ज़ीरो होगा ना लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और ए पॉजिटिव नंबर होगा। इफ़ ए इज़ एलिमेंट ऑफ पी यूनियन ज़ीरो, वी राइट ए इज़, अगर हम लोग पी जो है उसका यूनियन करें ज़ीरो से, तो हमारे पास ज़ीरो भी पी में चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए इसका एलिमेंट हो सकता है इस वाले का। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड से दैट ए इज़ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब हमारे पास आ गया, पहले हम कहते थे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, अब आ गया है नॉन नेगेटिव, इसका मतलब है ज़ीरो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है इफ़ माइनस ए इज़ एलिमेंट ऑफ पी, वी राइट ए इज़ लेस देन ज़ीरो एंड वी से दैट ए इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर, ए जो है वो नेगेटिव रियल नंबर है। और इफ़ माइनस ए इज़ एलिमेंट ऑफ पी यूनियन ज़ीरो, अगर वो इसका, अब हम लोगों ने ऊपर दो कंडीशंस निकाली थी ना, ए जो है वो एलिमेंट होगा पॉजिटिव नंबर्स का, ए जो है वो एलिमेंट होगा पी यूनियन ज़ीरो का। अब माइनस ए के लिए भी अगर हम इन दोनों को प्रूव करें, तो माइनस ए एलिमेंट है पी का, जब माइनस ए एलिमेंट होगा पी का तो हमारे पास पी जो ए जो है वो नेगेटिव नंबर आएगा। उसके बाद अगर हम पी यूनियन ज़ीरो वाले में अगर हम लोग कहें, तो वी कैन से दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो
एंड से दैट इट इज़ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर. इसमें नॉन नेगेटिव था, इसमें आ गया है नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, के कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स ही एग्जिस्ट करेंगे. इसके बाद हम इससे नेक्स्ट थ्योरम और डेफिनेशंस पढ़ेंगे. आप लोग इसे समझिए. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. अल्लाह.